आरुह्य श्वेतहंसैर्भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्षुसूत्रम् वामे हस्ते च दिव्यं वरकणकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्यं स्वाम्भीनां वादयन्ती निजकरकमलैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना। आज भगवती के जो नौ रूप हैं उनमें सबसे सभी रूप महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आज का जो रूप है वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने जितनी भी साधनाएं की हैं नवरात्र में, अपने पूजा में, पाठ में, साधना में जप किया है, पाठ किया है, उसका फल देने के लिए सिद्धिदात्री आज यहाँ पर विराजमान हैं, और आपकी जो मनोकामनाएं जो हैं, आपकी जो कार्यों के लिए सिद्धियां जो हैं, वो आपको प्रदान करेंगे। सिद्धिदात्री इनको क्यों कहते हैं कि सब प्रकार की सिद्धियां इनके पास हैं और सब प्रकार के कार्यों को ये सिद्ध करती हैं। ये सिंह वाहिनी भी हैं और पद्मासना भी हैं, कमल के आसन पर भी विराजमान हैं, इनको पद्मासना भी कहा जाता है। यह भगवती के जो रूप हैं उन रूपों में सिद्धिदात्री का स्वरूप बहुत ही भव्य और एक बहुत तेजवान और सब प्रकार से सिद्ध कार्यों को सिद्ध करने वाला है। सिद्धियां जो हैं वो देवी भागवत पुराण के अनुसार आठ सिद्धियां कही गई हैं, जिनके नाम हैं अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, मशित्व और वशित्व। ये आठ सिद्धियां हैं। ब्रह्मपरिवर्त पुराण में इनकी संख्या जो है वो 18 तक बतला दी गई है। जो भक्तजन अपनी निष्ठा से, अपनी भावना से, अपनी श्रद्धा से, अपने स्पष्ट मंत्रों से भगवती का आराधन करते हैं, आठ दिनों तक जो आपने पहले जो इनकी आराधना की और उसके फल की प्राप्ति के लिए आए सिद्धिदात्री जो हैं, ये आपको अपना फल देंगे। इनमें आठ सिद्धियां तो बतलाई गई हैं, आठ सिद्धियां क्या हैं? सबसे पहली आती है अणिमा सिद्धि। अणिमा किसे कहते हैं कि उस प्रकार की ऐसी सिद्धि यदि सिद्ध हो जाए तो मनुष्य का शरीर इसमें क्या होता है कि एक सबसे एक छोटा शरीर बन जाता है, अर्थात बहुत छोटा शरीर धारण करता है। जैसे कि हनुमान जी ने लंका प्रवेश करते के समय अपना शरीर जो था बहुत छोटा कर दिया था। उसके बाद है महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि का मतलब क्या है कि मनुष्य जो है वो अपने आकार को बड़ा कर देता है। जैसे समुद्र को लांघते समय हनुमान जी ने अपने आकार को बहुत बड़ा लिया था। उसके बाद है गरिमा सिद्धि। पर्वताकार अपने आप को बना लेना, पहाड़ की तरह अपने आप को बना लेना, ये गरिमा सिद्धि है। एक है लघिमा सिद्धि, अपने आप को इतना हल्का बना लेना जैसे वायु हल्की होती है, वायु की तरह ही अपनी इस सिद्धि के द्वारा अपना आप जो है वो हल्का हो जाता है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा और प्राप्ति। प्राप्ति सिद्धि क्या है कि जो कुछ आप चाहते हैं उस सिद्धि के माध्यम से वो सब प्रकार की वस्तुएं जो है वो आप प्राप्त करते हैं। उसके बाद है प्राकाम्य सिद्धि। प्राकाम्य सिद्धि क्या होती है कि जो जिसको ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है वह अपने इच्छा के अनुसार अपने शरीर को सुंदर बना लेता है, अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर को यौवन युक्त कर देता है, अपने शरीर को तंदुरुस्त कर देता है, स्वस्थ बना लेता है। ये प्राकाम्य सिद्धि है। और उसके बाद है वशित्व सिद्धि। वशित्व सिद्धि क्या है कि सब प्रकार के जितने भी पंचभूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनके माध्यम से यदि कोई किसी प्रकार की कोई बात हो रही है उनको अपने वश में कर लेता है। पृथ्वी में होने वाले जो उपद्रव हैं, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, आकाश, किसी प्रकार के उपद्रव उनको अपने वश में कर करके उस प्रकार की बातों को नहीं होने देता। तो ये पंचभूतों को और सभी प्रकार के प्राणियों को अपने वश में कर लेता है, ये प्राकाम्य सिद्धि की बात है। उसके बाद ईशित्व सिद्धि है, वशित्व सिद्धि है। वश में तो सब प्रकार के प्राणियों को करता है और अपनी इच्छा के मुताबिक जो जैसा चाहता है वो करता है। उसके बाद फिर ईशित्व सिद्धि है।
इष्ट सिद्धि में क्या होता है कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनको अपनी इच्छा के अनुसार जिस रूप में परिवर्तन करना होता है वो परिवर्तन कर देता है, वो इष्ट सिद्धि है। इस प्रकार से ये आठ सिद्धि, इन्हीं सिद्धियों के बल से ही भगवान शंकर का आधा शरीर जो था वो देवी का बना था और वो अर्धनारीश्वर कहलाए थे। इन सिद्धियों का अपने आप में बहुत ही बड़ा विशेष महत्व है। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। विश्व कल्याण के लिए भगवती से आराधनाएं कर रहे हैं हम प्रथम नवरात्र से। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, हे मां हे भगवती देवी, शरण में आए हुए को जो आपकी शरण में पड़े हुए हैं उनके ऊपर आप प्रसन्न हो जाएं। प्रसिद्ध मातर जगतोखिलस्य, पूरे विश्व की माता हे मां आप प्रसन्न हो जाएं। प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, हे विश्वेश्वरी हे विश्व की रक्षा करने वाली, हे आद्या शक्ति विश्व का सृजन करने वाली, प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, पूरे संसार की रक्षा करो, पूरे विश्व का कल्याण करो। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, हे मां आप ही चार अचर संसार की सारी ईश्वरी हो, अधिष्ठात्री देवी हो। या भगवती आप सबका कल्याण करें, पूरे विश्व का कल्याण करें और पूरे विश्व में जितने भी होने वाले अनिष्ट हैं उन अनिष्टों को दूर करें और सब प्रकार की सुख समृद्धियां सब प्रकार के लोगों को, सभी प्रकार के लोगों को प्राप्त हो। ऐसा भगवती का यह रूप अपने आप में विशेष प्रकार से बड़ा महत्व रखता है। सिद्धिदात्री का समय, मैंने प्रथम नवरात्र में ही ये बात कही थी कि कहां से ये पाठ शुरू होता है दुर्गा सप्तशती का, तो सुमेधा नामक के ये ऋषि हैं और राजा सुरथ और समाधि वेश्य, इन्हीं की सारी कहानी यहां पर देवी भागवत में बताई हुई है। और जिस समय राजा सुरथ और समाधि वेश्य ने एक बड़ी भारी तपस्या की और 3 साल तक निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतस्तौ वलिञ्चैव नेगात्रास्य गुक्षितम्। पहले वो निराहार रहने लगे, देवी की उपासना करने लगे, उसके बाद अपने आहार को निराहार मतलब आहार लेना भी उन्होंने बंद कर दिया और 3 वर्ष तक अपने रक्त से बलियों को प्रोषित करके और अग्नि में आहुतियां देते रहे। उसके बाद भगवती प्रकट हुई। दलतुस्तो बलिंचेव निगात्रासि गुक्षितम् एवं समाराधयतो स्त्रीभिर वर्षे यतात्मनो। इस प्रकार अपने आप को एक संयमित रख कर करके 3 वर्ष तक उन्होंने भगवती की आराधना की। परितुष्टा जगत धात्री प्रत्यक्षम प्राह चंडिका, उन पर भगवती वेष्ट भी प्रसन्न हुई और प्रत्यक्ष होकर के कहने लगी, यत् प्रार्थते त्वया भूप त्वया च कुलनंदन मत्तस्तत् प्राप्यताम सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। हे राजन, आप जो कुछ चाहते हैं मेरे से मांगिए, मैं आप पर प्रसन्न हूं और जो कुछ भी आप चाहेंगे मैं आप मेरे से मांगिए। तो राजा ने कहा, ततो वप्रेन्द्रपो राज्य अभिभ्रंशन्य जन्मणि अत्रैव च नियम राज्यम हत शत्रु बलम बलात्। राजा ने कहा कि मैं चाहता क्या हूं कि मेरा जो खोया हुआ राज्य है वो राज्य मुझे मिल जाए, जिसके कारण से मैं वहां से अपने राज्य से निकाल दिया गया हूं और मेरा राज्य पूजा पुनः मुझे मिल जाना चाहिए और मेरे शत्रु जो है वो मेरे द्वारा समाप्त होने चाहिए, उसके साथ साथ अगले जन्म में भी मुझे इस प्रकार का ऐसा अपुनरावर्ती राज्य मिले, ये बात उन्होंने मांगी। समाधि नामक के वेश्य ने कहा, उसको अहंता और ममता से कोई किसी प्रकार की बात नहीं रही थी, उन्होंने कहा कि महाराज मैं कुछ नहीं चाहता हूं। सोभिवेश्य तपस्ते पे देवी सूक्तम परं जपन तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्ति महिमहिम। उन्होंने भी इस प्रकार से जो तपस्या की, उस तपस्या के बाद उन्होंने कहा कि मैं केवल मुक्ति चाहता हूं, मैं ज्ञान चाहता हूं, इस ज्ञान के लिए मुक्ति के लिए प्रार्थना की। और भगवती ने कहा उन दोनों को
पहले राजा को कहा स्वल्पे यहो भैर नृपते स्वम राज्यम प्राप्सते भवान, थोड़े ही दिनों में आप अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। मैंने पिछले साल भी ये बात कही थी कि ये मंत्र जो है, यदि कोई आदमी किसी अपने अधिकार से वंचित रहता है, उसको अपना अधिकार नहीं मिल पाता, कोई सस्पेंड हो जाता है कोई किसी प्रकार से, तो इस प्रकार के मंत्र का जप या पाठ करवाने से उसको अपना अधिकार पुनः प्राप्त हो जाता है। लेकिन उसमें अनियमितता यदि होगी तो जरूर प्राप्त करता है। यदि कोई गलत तरीके से किसी प्रकार को आगे पीछे किया होगा तो वो भगवती देखती है क्या है क्या नहीं, लेकिन फिर भी उस पर कृपा करती है। और उसके बाद भगवती ने राजा को वरदान दिया और उस जो वेश्य है समाधि नामक का वेश्य, उसको भी कहा कि भी तुम्हें ज्ञान होगा और जो जिस प्रकार का तुम ज्ञान चाहते हो वो ज्ञान तुम्हें अवश्य होगा और अंत में तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। मैंने बीच में किसी नवरात्र में यह कहा था कि आप किसी देवता की उपासना करते हैं, कहीं पर भोग मिलता है, कहीं पर मोक्ष मिलता है, कहीं पर धर्म अर्थ काम, ये भगवती की उपासना जो है आपको सब कुछ देने वाली है। यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोगः, श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्त एव। इस मां की जगत जननी जगदम्बा की उस त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने से सब प्रकार का मोक्ष जो है और भोग जो है वो भक्त के हाथ में आता है। ऐसी परिस्थिति में आप भगवती का जब स्मरण करते हैं, भगवती आपको सब कुछ देती है, सब प्रकार के भक्तों को देती है। हमारे भारतवर्ष की अखंडता को रखने वाली, हमारे भारतवर्ष की अक्षुण्ण परंपराओं को जीवित रखने वाली भगवती वेष्टि माँ, उसके ही आप हम सभी बच्चे हैं। और हम वो नहीं चाहती कि हम अव्यवस्थित हों, हम आपस में लड़ें, हमारा विरोध हो, हमारे धर्म आगे पीछे हों, और जो वैदिक परंपराएं हमारी हैं वो उसमें किसी प्रकार का किसी का कोई दखल हो, हमारे जो धर्म हमारे जो आचरण वो उस प्रकार से रहें और हम भी अपने आप को उस प्रकार के साक्षात करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। मैं अधिक नहीं कहूंगा, लेकिन आज नवमी है, कुछ लोगों ने भारतवर्ष में या अन्य स्थानों पर कल कन्या पूजन कर लिया था और कल क्षेत्री जो थी वो प्रवाहित कर दी थी। उसके बाद आज जो है नवमी है और नवमी को भी, क्योंकि आप सभी जानते हैं, आप पढ़ते भी होंगे दुर्गा सप्तशती को, अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च एकचेतसा, भगवती ने इन तीनों तिथियों के लिए अपनी आज्ञा दी हुई है। अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, अष्टमी तिथि को उन्होंने बहुत अच्छा समझा है, और नवमी तिथि नौ अंक का जो है वो उनका अपने आप में बेजोड़ मेल है, और भगवान राम की भी तिथि है। उसके बाद चतुर्दशी जो शिवरात्रि की तिथि है वो भी इनको बहुत प्रिय है। तो इन तीनों तिथियों को लेकर के उन्होंने कहा कि जो भक्तजन मेरा अष्टमी को या नवमी को या चतुर्दशी को मेरी आराधना करते हैं, मेरा पाठ करते हैं, जप करते हैं, हवन करते हैं, और मैं उन पर प्रसन्न होती हूँ और उनको धन धान्य ऐश्वर्य सब प्रकार की सुख समृद्धि जो है वो उनको देती हूँ, और ये तिथि, इन तिथियों में आप आज नवमी तिथि के आधार पर कन्या पूजन करेंगे। कन्या पूजन के लिए मैंने आपको पहले बतला दिया था किस किस काम के लिए, किस बात के लिए, किस इच्छा को पूर्ण करने के लिए कन्या पूजन करना चाहिए, वो सारी बात मैंने आपको बतला दी थी। आज सिर्फ कन्या पूजन करने का मतलब है जिन कन्याओं का हम एक माता समय करके पूजन कर रहे हैं, उन कन्याओं का अपमान कहीं भी किसी जगह पर भी ना हो, और स्त्रीत्व शक्ति मातृत्व शक्ति का कभी भी अपमान ना हो। ये हम सबका दायित्व बनता है अपनी इस परंपरा को अक्षुण रखने के लिए, कन्याओं को कन्याओं की सुरक्षा के लिए और मातृ शक्ति की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हम यदि माता के आगे अपना सिर नवाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, तो इसका मतलब यही है कि माता मातृशक्ति है, और समाज में अर्थात देश में या कहीं पर भी अन्यत्र भी जो स्त्रियां हैं वो देवी का ही रूप है, और उनका सम्मान उनका मान उनका अधिकार की रक्षा जो है वो होना आवश्यक है।
और जिन कन्याओं की हम पूजा कर रहे हैं उन कन्याओं को बड़े होने पर भी यदि उन पर कोई किसी प्रकार की विपत्ति आती है तो उसके लिए हमें सजग होना चाहिए और उस विपत्ति से उनको दूर भगाना चाहिए। आज सभी अपने अपने घरों में शाखा का आरोपण किया हुआ है, खेतरी बीजी हुई है। मैंने कल इसका फल बतला दिया था, जिन लोगों ने नहीं सुना होगा मैं एक शब्द से आपको उस शाखा का फल बतला करके अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि काम बहुत है, कन्या पूजन है। जैसे शास्त्री जी ने कहा कन्या पूजन के समय में अब सभी पूरे विश्व के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, परिवारों के कल्याण के लिए, देश नगर और राष्ट्र की रक्षा के लिए हम प्रार्थनाएं करेंगे। और यदि आपकी क्षेत्रीय शाखा जो है इस प्रकार से होगी है, अच्छी है, तो बहुत अच्छा फल होगा। थोड़ा सा यदि किसी प्रकार की भिन्नता है तो उसकी शांति के लिए आप उपाय भी कर लें। अभिष्टिम कुरुते कृष्णम, यदि काली शाखा उगी हुई है तो वो अवृष्टि करती है, देश में किसी प्रकार का बादल का अभाव, अर्थात बादल नहीं बरसते जहां बादल का अभाव रहता है। धूम्रा भंग, आप ऐसा सोचेंगे भी अपने घर में है तो अपने घर के लिए ये फलादेश, पूरे विश्व के लिए है तो पूरे विश्व के लिए, देश के लिए है तो देश के लिए। अवृष्टि कुरुते कृष्णम धूम्रा भंग कलहं तथा, धूम्र वर्ण की यदि उगी हुई है, धूम्र कहते हैं सफेद और काला वर्ण यदि एक साथ हुआ हो, काली भी उगी हो सफेद भी उगी हो, तो वो कलह का कारण होती है, लड़ाई झगड़े का कारण बनती है। अपूर्णम जननाशंच, यदि विश्व कल्याण के लिए आशा हम कर रहे हैं और यदि पूरी शाखा नहीं उगी हुई है तो वो जनता के लिए अष्टकारक होती है। दुर्भिक्षम श्यामलांकुरी, और यदि सांवले रंग की शाखा उगी हुई है तो वो दुर्भिक्ष पैदा करते हैं, अकाल की स्थिति आती है। तिर्यगते भवेद व्याधि, यदि टेढ़ी मेढ़ी शाखा उगी हुई हो तो वो रोग पैदा करती है, अर्थात किसी प्रकार की ऐसी महामारी, ऐसा कोई रोग फैलता है जिससे जनता के लिए परेशानी होती है। कुब्जे शत्रु भयं तथा, यदि कुबड़ी शाखा उगी हुई हो तो वो शत्रुओं का डर, शत्रु आक्रमण करते हैं, शत्रु अपना दाव लगाने की कोशिश करते हैं। और अशुभे चांकुरे जाते शांति होमम समाचरित, यदि अशुभ अंकुर हुए हुए हों तो शांति होम कर देना चाहिए, भगवती से प्रार्थना कर देनी चाहिए। और यदि आपकी हरे रंग की शाखा और अच्छे सीधी शाखा हुई हो, पूरी की पूरी हुई हुई हो, और वो शाखा जो है वो अच्छी श्रेष्ठ मानी जाती है, यदि आपकी शाखाएं सभी ठीक हैं, हमारी शाखा जहाँ पर जो यज्ञ में शाखा है वो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन उससे कुछ थोड़ा सा ये प्रतीत होता है कि देश के पश्चिम भाग और जो हमारा जो विश्व है, विश्व के पश्चिम भागों में, यूरोप आदियों में किसी प्रकार की कोई परेशानी छोटी मोटी रह सकती है, इसलिए उसके लिए भी हम प्रार्थनाएं करें कि यदि कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी होने वाली हो तो वो परेशानी दूर हो, और वो विघ्न को दूर करने वाले भगवान गणेश जी और ये भगवती वैष्णवी जो है वो सब प्रकार के कष्टों को दूर करो और ये हमारे सारे कार्यों को सिद्ध करो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ साथ आप सबको फिर पुनः बधाई देता हूं इस नवमी के अवसर पर, और जो आज दशहरा है उस दशहरे के अवसर पर जो काम क्रोध लोभ मोह मद और अहंकार इत्यादियों को जो दूर करता है और 10 चीजों को जो हरण करता है वो दशहरा है, और अपने रास्ते पर जिसको लगाता है। रावण ने भी तो बहुत कहा था उसको, जब उनका कैलाश पर्वत पर जब वाहन रोक दिया गया तो बहुत आनंदी का और आपस में उनका बड़ा संवाद हुआ, तो उन्होंने कहा भी ये बात ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि रावण कहने लगा कि ये क्या, वो कहने लगा महाराज देखिए ये देवादिदेव महादेव हैं, इनके जहां पर आकर के इतना इस प्रकार का शोर शार करना, उनका ऐसे योगी कण फटे करके यूं ही विवाद, मेरे कारागार में है लाखों आवाज, है लाखों आवाज की बेपीसते हैं दाना, ऋषियों का है काम मेरे घोड़े नहलाना, वरुण करे छिड़काव पवन दे झाड़ू भय से, कुचल दिए हैं पकड़ पकड़ कर क्रिया से। लेकिन नंदी जो है वो फिर कहता है कि कीड़ा हर कीड़ा नहीं, ये भी रहे ख्याल, तुम रस्सी की भूल में कहीं पकड़ ना लेना ब्याल, कहीं पकड़ ना लेना ब्याल की ये कीड़ा है जहरी, सोच सोच मधिमंद कहीं नींद ना आ जाए गहरी। जब इंसान का एक दिमाग में एक फतूल भर जाता है, जब उसमें तामसिक गुण आ जाता है, अपने आप को ही सब कुछ समझने लग पड़ता है, तो भगवान उसको इतना नहीं रहने देते। अब मैं अंत में हमारे जो ये प्रसारण करने वाले, इस कार्यक्रम को प्रसारण करने वाले श्रद्धा चैनल के, MH चैनल के,
या दूसरे अन्य जो लोग हैं इस कार्यक्रम को जो प्रसारित करते हैं वो भी अभिनंदनीय हैं और वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि यहाँ की हुई जितनी भी बात जो है ये पूरे विश्व में जा रही है, इसलिए वे भी अपने आप में भगवती के परम उपासक हैं और जहाँ पर आकर के वो इस प्रकार की इतनी सेवा करते हैं, सेवा लेते हैं, तो वो वास्तव में अभिनंदनीय है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। पुजारी जी आरती करने जा रहे हैं और पुजारी जी की आरती देखिए, भगवती सिद्धदात्री का ध्यान कीजिए, आपको सब प्रकार का कल्याण करेगी आपका। ओम द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा सनारस्य प्रजं सत द्रविणोदा वीरवती मिषण्णम् द्रविणोदारास्ते दीर्घमायुः। ओम सविता पश्चात्तात् सविता पुरस्तात् सवितोधरातात् सवितोधरातात् सविता सुवतु सर्वतातिम् सवितानुरास्ताम् दीर्घमायुः। ओम नवो नवो भवति जायमानोन्न केतुम ऋषसामेत्यग्रम भागं देवेभ्यो विदधात्यायन प्रचंद्रमा स्थिरते दीर्घमायुः। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी लोग सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग जो है वो रोग से रहित रहें। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग कल्याण देखें। महा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का दुख जो है वो न प्राप्त हो, यही भगवती की कामना है और यही भगवती का आप सबको आशीर्वाद है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोल सत्या ज्योता वाली मात, बोल यज्ञ भगवान की। श्रद्धा विश्वास आपका।